नमस्कार माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ बढ़हर के मुरब्बा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो चलिए तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनता है बढ़हर के मुरब्बा। चलिए तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए बनाने के लिए मुरब्बा। तो हम 1 kg लिए हैं बढ़हर, 1 kg लिए हैं चीनी और छोटी इलायची, तीन चीज लिए, तीन चीज से हम मुरब्बा बनाएंगे। चलिए तो मैं बढ़हर को छील लेती हूँ, छीलती हूँ बढ़हर को। इस तरह बढ़हर को छीलना है, चाकू की मदद से मैं छील रही हूँ। तो हम इसी तरह चाकू से छील लेंगे बढ़हर को अच्छी तरह। हम बढ़हर को पहले से धो से साफ करके रखी थी, पहले सबसे बड़ा बढ़हर को धो लेना है। तो हम धो कर साफ करके छील रही हूँ। अब हम बढ़हर को काट लेते हैं, इस तरह गोलाकार देना है। इस तरह हम काट रहे हैं, ये ज़्यादा पतली नहीं काटना है, मोटा मोटा काटना है, नहीं तो बढ़हर मेरा गल जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। इस तरह काटना है। हम अब इसको बीज को निकालेंगे, इस तरह इसको बीज निकाल देना है। इसको जब भी बढ़हर का मुरब्बा बनाए तो इसका बीज निकाल कर ही बनाए, चाकू के सहारे बीज निकाल लें और उबाल कर नहीं निकाले, कच्चे में निकाल लें, नहीं तो उबाल कर निकालेंगे तो बढ़हर मेरा टूट जाएगा। हमने सारे बीज को निकाल लिया, तो ये देखिए इस सारे बीज को हमने निकाल लिया, तो निकाल के रख लिया, इतना इसका बीज निकला है। तो इसका बीज कड़क होता है तो इसमें मुरब्बा में ठीक नहीं होगा, बीज सही से बनाएंगे तो ये हम निकाल लिए। अब इसको हम चलती हूँ बनाने के लिए, अब इसको हम उबालेंगे, अब इसको हम ढक देते हैं। बीज को हम अलग कर दिए हैं, बीज नहीं डालेंगे, बीज को किसी काम का नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। तो हम इसको ढक देंगे, हम इसको ढक देते हैं। चेक करती हूँ कि मेरा हुआ कि नहीं बढ़ा, ये देखती हूँ। ये मेरा बढ़हर पक चुका है, अब इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसको निकाल लेती हूँ, इसको छान कर निकाल लेती हूँ, फिर छान में निकाल करके अलग में रख लेती हूँ। सब निकालना है, इसको पानी को अलग कर देना है। हमने छान कर रख लिए हैं, पानी से अलग कर लिए हैं, और जो इससे बाकी इतना पानी बच जाएगा इसको भी हम निकाल देंगे। इस तरह करके निकाल देंगे पानी से, पानी जब भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको रख लेती हूँ और चलती हूँ चीनी के चाशनी बनाने के लिए। हम प्याज को नाप कर पानी डालेंगे, दो गिलास पानी डालें क्योंकि चीनी मेरा 1 kg है और चाशनी मुझे ऐसा चाहिए कि ये मेरा जो मुरब्बा है चाशनी में डूबा रहना चाहिए। तो हम अब चीनी डाल देते हैं। हम 1 kg लिए हैं बढ़हर, 1 kg हम चीनी लिए हैं, हमें बराबर का चीनी चाहिए। तो हम अब इसको उबाल आने तक इंतजार करते हैं। चाशनी को कूट लेती हूँ, कूट के पाउडर बना लेती हूँ क्योंकि चाशनी में ही मेरा इलायची डालना है। मैं थोड़ा सी 1 चम्मच दूध डालती हूँ कि जो चीनी में मैल है उसको हम निकाल दें। चीनी मेरा साफ है लेकिन थोड़ी बहुत मैल रह जाता है, तो हम उसको निकाल देंगे। दूध फट करके मैल ऊपर आ जाएगा चीनी में, तो हम उसको निकाल देंगे। हम उसको निकाल देते हैं, देखिए ये मैल है। इसी तरह हम चम्मच से सहारे मैल को निकाल लेना है कि चीनी मेरा साफ हो जाए, जो चाशनी है मेरा साफ रहे। 15 मिनट पकाएंगे इसको हम। अब ये मेरा चाशनी देखती हूँ, चेक करती हूँ कि हुआ कि नहीं। तभी अभी मेरा चाशनी थोड़ा अभी नहीं हुआ है और मेरा चाशनी 5 मिनट और लगेगा, फिर मेरी चाशनी तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा उसमें फ्रूट कलर डाल देती हूँ, जो खाने वाला मिठाई में कलर पड़ता है तो उसको थोड़ी सा मैं डाल देती हूँ कि मेरा थोड़ा कलर खूबसूरत लगे। चाहे तो आप डाल सकती हैं, चाहे तो आप नहीं भी डाल सकती हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्वाद में, ये थोड़ी खूबसूरती के लिए है। जो हलवाई लोग डालते हैं कलर मिठाई में, वही कलर मैं डाली हूँ। ये चाशनी मेरा तैयार हो चुका है, चाशनी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा मुझे खरखर चाशनी नहीं चाहिए, मुझे 1 ताड़ की चाशनी चाहिए, हो चुका है। अब हम इसको डालते हैं इसमें, इसमें भी हम पकाएंगे थोड़ा देर, 5 मिनट 10 मिनट इसको हम पकाए हैं।
और 5 मिनट और पकाएंगे इसमें, चाशनी में हम पकाएंगे। सारे हम बढ़हर को डाल दिए हैं इसमें, अब इसको हम छोड़ देते हैं, 5 मिनट पकाएंगे इसको इसमें हम। अब हम डालते हैं इसमें इलायची, जो इलायची को हम कूट कर रखे हैं इसको भी हम डाल देते हैं इसमें। इलायची को हम कूट कर रखे हैं इसको मिला देते हैं। पाँच मिनट पकने दे रहे हैं हम अपने मुरब्बे को। देखिए कितना बढ़िया मेरा मुरब्बा बनकर तैयार हो रहा है, कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मुरब्बों से अच्छा लगता है। मुरब्बा तो बहुत कुछ के खाए होंगे, लेकिन बढ़हर के मुरब्बा ज़रूर एक बार ट्राई आप कीजिएगा, कितना सुंदर लगता है खाने में, कितना टेस्टी लगता है। ये मुरब्बा मेरा बनकर तैयार हो गया, बढ़हर के मुरब्बा टेस्टी और फायदेमंद दोनों ही है। अब हम इसको गैस को बंद कर देती हूँ, अब उतार देती हूँ। अब इसको हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, तो हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं परोसूंगी। तो लीजिए ये मेरे बन के मुरब्बा तैयार हो गया, बढ़हर के मुरब्बा। तो इस तरह घर में आप बनाइए और खाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस मुरब्बे को। अगला वीडियो की इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।